नमस्कार, खास बात इंडिया में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि सिख समाज के लोग जहां भी रहें, देश के किसी भी कोने में रहें, वहां अपने तरीके से वो काम करते हैं। देश पर जब कोई मुसीबत आती है तो सिख समाज के लोग उठ खड़े होते हैं, और भले ही प्रतिशत में काफ़ी कम है लेकिन इनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी कोई भी मुसीबत का पल आता है, कोई मुसीबत की घड़ी आती है, चाहे किसी भी कौम का इंसान हो, उस इंसान की मदद करते हैं सिख समाज के लोग। तो आज गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के जो पश्चिम बंगाल के प्रधान हैं गुरविंदर सिंह जी, उन और उनकी उनकी पूरी टीम को हमने खास बात किया इंडिया की तरफ से, खास बात परिवार की तरफ से एक सम्मान हमने दिया। COVID-19 के का ये दौर चल रहा है, इस दौर में इन लोगों ने जागरूकता फैलाने का काम किया और अपने कौम के लोगों में भी और दूसरे कौम के लोगों में भी, और इन लोगों ने काम किया। अभी भी ये लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बनाने में लगे हुए हैं। हमारे बीच गुरविंदर सिंह जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या एक्टिविटी रही। गुरविंदर सिंह जी, आपकी क्या एक्टिविटी रही? हाँ जी, सबसे पहले मैं खास बात को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जहाँ पर बहुत सारे योद्धाओं को सम्मानित किया, गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल को भी आप सम्मानित कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग इस सम्मान के लायक नहीं है। हम लोग तो पंथ की और कौम की और देश की सेवा करने में अग्रसर हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो ये COVID-19 का समय है, क्योंकि हम लोग इतिहास से प्रेरणा लेते हैं। गुरु हरकिशन साहब जी, हमारे 8वें गुरु, जब दिल्ली में चेचक की बीमारी फैली हुई थी, उस समय उन्होंने सेवा की और चेचक की बीमारी से ही वो ज्योति जोत समा गए। तो सिख कौम तो हमेशा सेवा के लिए जानी जाती है, और हम लोगों ने जहाँ पर COVID-19 के दौरान बहुत सारी जगह में जाकर सेवा की, वहाँ पर अपने कौम के बच्चों को हम लोग खास तौर पर जागृत कर रहे हैं। उन्हें जूम ऐप में लगातार हम लोग 4 महीने से सिख इतिहास के बारे में, देश के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। हम लोगों ने कविता मुकाबले, लेक्चर मुकाबले, दस्तार मुकाबले, क्विज मुकाबले और बहुत सारे हम लोगों ने ऑनलाइन मुकाबले करवाए, और बच्चों को हम लोगों ने कैश प्राइज जो है वो पेटीएम के द्वारा भी देकर सम्मानित किया। हमारा मकसद है कि आज जो युग है, लोग डरे हुए हैं, डर स्वाभाविक है, तो डरने से बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। हमें उसका मुकाबला करना है, हमें लोगों को जागृत करना है, और ख़ास तौर पर ये जो परमात्मा और आत्मा की जो बात है उसे हमें उजागर करना है, क्योंकि दो तरह का शरीर है, एक ये हार्ट मास का शरीर है और एक अंदर में शरीर है जिसे हमें आत्मा कहते हैं। उसे पहचानने के लिए हमें धर्म के सहारा लेना पड़ेगा, हमें गुरबाणी पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग बच्चों को गुरबाणी, बड़ों बुजुर्गों को भी गुरबाणी का हम लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, ताकि ये COVID-19 का हम लोग मुकाबला जो है वो कर सकें। जी, ये आप लोग इस तरह की एक्टिविटी जो है ना, ये पूरे यहाँ पे शिल्पांचल में चला रहे हैं, आसनसोल और आसपास। जी, जूम से हम लोग देख रहे हैं कि आप जानकर हैरान होंगे, बेल्जियम, रोम, आपका दुबई, कनाडा, इंग्लैंड, बहुत सारे और भी स्टेट से हम लोगों बच्चे जुड़े हैं। हम लोगों ने पाठ मुकाबला करवाया था जिसमें तकरीबन 1000 बच्चों ने हिस्सा लिया, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ ऑनलाइन पढ़ा। फेसबुक में भी आप लोग ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, ताकि हम लोग जो अपना सिख इतिहास है, गुरबाणी है, उसके साथ जुड़ सकें। केवल इतना नहीं, हम लोगों ने गुरु हरकिशन साहब जी के प्रकाश पूर्व के समय में हम लोगों ने आसनसोल के कोने कोने में जाकर फल सामग्री और बहुत सारी सामग्री बांटी। हम लोग गुरमीत सिंह जी हमारे आसनसोल के प्रधान हैं, हरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, वीर परमजीत सिंह जी हैं। हम लोगों ने आसनसोल के बहुत सारे ओल्ड एज होम में और जगह में जाकर फल फ्रूट और खाद्य सामग्री दी, ताकि हम लोग उनके दुख सुख में शामिल हो सकें। और आज जो ये मुश्किल का दौर है, ये दौर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, ये स्वाभाविक है, पर देश लड़ रहा है और हमें भी लड़ना है। आपने प्रथम पे कहा था कि गिनती हमारी कम है, मैं कह देना चाहता हूँ कि शेर की गिनती हमेशा कम होती है, पर शेर जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि वो सबको लेकर चले और हमेशा राजा बना हुआ रहे और मानव जाति की सेवा करता रहे। चलिए, इन्होंने कही कि भाई शेर की गिनती नहीं होती, शेर कम होते हैं, ये बात इन्होंने कही। तो सिख समुदाय के जो लोग हैं वाकई शेर हैं और शेर की भूमिका अदा कर रहे हैं। आप देश के हर हिस्से से जब खबरें आप देखेंगे, सिख समाज के लोगों की एक्टिविटी देखेंगे, तो ऐसा ही आपको लगेगा। हमारे बीच वीर परमजीत सिंह जी भी हैं, वो भी कुछ बोले। आप कोई संदेश अगर देना चाहें अपने समाज के लोगों को तो बताएं। नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी मुसीबत में सिख समुदाय हमेशा खड़ा है सामने जी, और हर संभव मदद करे। हम लोग का यही टारगेट है, यही हम लोग का संदेश है कि हम लोग सब समय मदद करेंगे जी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो देश के ऊपर में, तो हम लोग खड़े हैं।
वाहिगुरु। चलिए ये होनी चाहिए, मुझे लगता है यही जज्बा होना चाहिए सारे लोगों में, और अगर यही जज्बा हो तो मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा और देश का भला होगा, कल्याण होगा। हमारे बीच एक और जो इसके गुरु गोविंद सिंह से हरदीप सिंह जी हैं हमारे बीच, सरदार हरदीप सिंह से, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ शिल्पांचल में हम लोगों ने ओल्ड होम और भी बहुत जगह सारे हम लोगों ने सेवा लगाई थी, और हमें पिछले जब COVID-19 में जब शुरू स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा ही लोग डरे हुए थे, तो हमें फिर एक मैसेज एक फ़ोन आया कि जलंधर से लवली यूनिवर्सिटी से लवली यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो पहले तो हमें बताया गया कि 10 सिख बच्चे हैं, तो हमारी बात हुई हमारी गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के सकत्तर से गुरविंदर जी से कि 10 आदमी है, तो चलिए 10 के लिए हम लोग घर पर ही एक लंगर तैयार करते हैं और उनको दे आते हैं। पर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर और भी उनके जो साथी थे, जो हमारे गैर सिख थे, जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, ईसाई थे, जो भी थे, उन्होंने बताया कि भाई हम भी भूखे हैं। तो हमें पता लगा, तो फिर गुरविंदर सिंह से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम सारे मिला के 60 बच्चे हैं। फिर हम लोगों ने 60 बच्चों का नाश्ता बना लिया, और इसमें आसनसोल कमेटी का भी सहयोग बहुत हुआ, क्योंकि आसनसोल कमेटी सहयोग हमने वहाँ के प्रधान अमरजीत सिंह बरवाला से बात की, उन्होंने कहा ठीक है बच्चे हैं, सभी बच्चे बराबर होते हैं। उस पर हम लोगों ने वहाँ पर उन बच्चों को ट्रेन में जाके, जबकि हमने देखा कि वो प्लेटफार्म में भी जाने के लिए सकता ही माना था, परंतु वहाँ हमें सपोर्ट किया गया। वहाँ प्लेटफार्म पर मैं गया, खुद गया, और वहाँ जाके बच्चों से मिला, वो सारे ही बच्चों को नाश्ता का प्रबंध, खाने का प्रबंध जो भी था स्टडी सर्कल के साथ कमेटी के सहयोग के साथ वहाँ किया गया। बाकी और भी सिख खड़े हैं अभी, तो हाँ सिख तो हर जगह ही खड़े हैं अभी, तो मैं कुछ व्हाट्सअप कुछ मैं फेसबुक में भी देखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि दान देना है तो इससे अच्छा आप सिख को दे दीजिए, और सही जगह आपका पैसा जाएगा और सही यूटिलाइज भी होगा। सिख धर्म ही है, गुरु नानक पातशाह जी का ये चलाया हुआ है भूखे को लंगर कराना, और उन्हीं की प्रथा के अनुसार आज सिख समाज चल रहा है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। इतनी बात वाहिगुरु के खालसा वाहिगुरु की फतेह। तो अभी आपने देखा कि सिख समाज के लोग किस तरह से एक्टिव हैं, गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से हमने अभी बात की। हमारे बीच सरदार गुरमीत सिंह जी जो यहाँ के आसनसोल के इंचार्ज हैं, अगर पाजी आप कुछ बोलोगे आप नहीं तो ये गुरमीत सिंह जी भी हैं, और ये भी हमने सुना कि इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, और इन लोगों में जज्बा है कुछ करने का, अभी भी ये करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से, सिख समाज के लोगों से हम सबको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। दूसरे कौम के लोग जो अनएक्टिव हैं उनको भी प्रेरित होना चाहिए सिख कौम के लोगों से, और प्रेरित होकर इस COVID-19 की जो महामारी चल रही है, जो ये दौर चल रहा है, इस महामारी के दौर में मुझे लगता है मिलजुल कर सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल को और इनसे जुड़े तमाम लोगों को। अभी हमने इन तमाम लोगों से बात करवाई, संदेश इनका सुनवाया, आगे भी हम अपनी एक्टिविटी से आपको अवगत कराते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और ये देख सकते हैं ये, हाँ ये यहाँ पे ये इनका ये बैनर लगा हुआ है, और चलिए और इसी तरह से ये एक्टिव रहें और तमाम लोग एक्टिव रहें। COVID-19 में हम सबको एक्टिव रहने की बेहद ज़रूरत है, और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा, खास बात इंडिया से हम लेंगे आपसे विदा। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे कोरोना योद्धाओं से जो देश के लिए समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नमस्कार।